राहत कर दी। अस्सलामुअलैकुम भाई जी, मेरा सवाल है कि कोई हराम करदा चीज़ है जैसा सिगरेट हो या तंबाकू हो, इंसान इरादा करता है उसको छोड़ने का, तो इसका बेहतरीन तरीका बताइए कैसे छोड़ सकता है इंसान। भाई ने सवाल किया, कोई इंसान आदी हो तंबाकू का, सिगरेट का, टोबैको का, तो अगर उसको छोड़ना चाहे तो कैसे छोड़ सकता है? इसमें हम दूसरे भी नशे डाल देते हैं, शराब है, गांजा है, जो भी पुराने और जदीद नाम से, अफीम्स है, गीला और सूखा है, बटन्स है, क्या क्या लोग आजकल नशे करते हैं, अलग अलग किस्म की चीज़ों से, अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, गोलियों को बटन बोलते हैं, गीला बोले तो वो नशा जो दस्तियों में लगा के सूंघते वगैरह करते हैं, सूखा बोले तो नाम दिए लोगों ने, बहरहाल नशे के अपने नाम हैं अलग अलग इलाकों में, उनको कैसे छोड़ा जाए? सबसे पहली चीज़, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए या किसी भी अच्छी आदत को अपने अंदर डालने के लिए आदमी को अज़्म लगता है, मज़बूत वाला पक्का इरादा जिसको आम ज़बान में बोलते हैं। कोई भी अच्छाई करने के लिए भी बग़ैर इरादे की नहीं होती, और कोई भी बुराई जो है बग़ैर इरादे के पक्के अज़्म से इंसान छोड़ नहीं सकता। तो पहले उस इंसान को क्या करना है, पक्का अज़्म और इरादा करना है कि मुझे इस नशे को इंशाअल्लाह अज़ीज़ छोड़ देना है। जब वो पक्का अज़्म और इरादा कर लेता है तो आप देखेंगे अल्लाह ताला की मदद भी उसकी आती है, और वो कब होता है जब उसकी नीयत हो, नीयत भी ज़रूरी है ना। क्या होता है कई बार लोग मार्केट में बोल रहे चल छोड़ दो, सब छोड़ दो, देखो क्या हो रहा, नशे से कुछ कैंसर हो गया, इसका मुंह फला हो गया, हाँ हाँ चलो तोबा तोबा तोबा, या कोई इरादा नहीं दिल का, बस वो सब ने बोले अब सब टेंशन दे रहे तो बक दिया कि हाँ चलो छोड़ दूंगा, तो वैसा नहीं होता। आप पक्का दिल में नीयत करें, पक्का आज़म और इरादा करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। और थर्ड चीज़ ये जो बेटर भी है, ज़्यादा बेहतर है, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी लोग नशा छोड़ते हैं, वो ये है किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करें जो नशा मुक्ति में महारत रखता हो। इसमें ख़ास तौर से जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, वो लोग इसका उनके पास फील्ड ही होता है, नशा मुक्ति का एक पार्ट होता है उनके दवाखानों में, तो आप उनसे कंसल्ट करें। अब हमारे पास क्या होता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना बोले तो डिस्क्लेमर देना पड़ता है, ऐसे आप कोई दिमाग, अब उसको क्या बोलते दिमाग का डॉक्टर, और उससे भी ज़्यादा लेमैन क्या बोलते हैं आमतौर से, पागलों का दवाखाना, मतलब तो डॉक्टर को कुछ नहीं बोलते, दवाखाने को बोलते पागलों। अब अगर मैं वहाँ से चला गया और निकलते हुए दिखा तो पहले जैसे को मिलता, अरे मैं अच्छा है, मैं अच्छा है, मेरे कुछ नहीं हुआ, डिस्क्लेमर देते बैठना पड़ता। तो क्या हर आदमी जो दिमाग के डॉक्टर के पास जाए उसका पागल होना ज़रूरी है? लेकिन पहले ऐसे ही होता था, उसका डर आज भी लोगों में इतना ज़्यादा है कि किसी दवाखाने में जब मेंटल हेल्थ का इशू होता है तो किसी के साथ भी जाने को बोले तो बोलते नहीं हम नहीं आते, तुम जाओ, हमको लोग पागल समझेंगे, तो वैसा नहीं है। तो साइकेट्रिस्ट के पास जाए या जो भी ऐसा डॉक्टर हर इलाके में हो सकता है, कुछ स्पेशलाइज डॉक्टर्स भी हो, वो लोग आपको बताएंगे फिर कि नशे की शिद्दत क्या थी, और उस नशे को हल्का करके धीरे धीरे करके मेडिसिन के तौर पर या उस खुद नशे को कम करके तौर पर वो उसको आपको छुड़ाने का एक कोर्स बताएंगे। देखिए पक्का इरादा है, पक्का आज़्म है, आज रात में सोचा कि सिगरेट कल से नहीं पीऊंगा और कल से नहीं पिया, बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, ये तो एक अलग केस हो गया। लेकिन आदमी इरादा कर रहा है फिर लत लग जा रही, फिर इरादा कर रहा है फिर लत लग जा रही, तो क्या करेंगे? तो फिर वो डॉक्टर्स के थ्रू जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको कोर्स होता है 21 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज, ऐसा एक एग्जाम्पल देता, आप निकोटीन की आदि हो, तंबाकू की आदि, उसमें निकोटीन होता है, अब उसके आप आदि है, चाहे वो सिगरेट के जरिए पीते हो मतलब धुएं के जरिए, या गीला मतलब मुंह में चाप कर खाते निगलते या उसको रखते हो, तो वो क्या करते फिर आपको सजेशन ये देते कि आप सिगरेट पी रहे, समझो एक डब्बी रोज़ पी रहा है कोई आदमी, 10 सिगरेट होती है उसमें, बड़ी डब्बी हो तो 20 सिगरेटें होती है उसके अंदर, तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप उसको क्या कीजिए, 10 कीजिए फॉर सर्टन डेज, जैसा कि 20 पीते थे तो आप क्या कीजिए कल से कम कीजिए, 18 कीजिए, 15 कीजिए, फिर 3 दिन बाद उसको अपन 12 पे लाएंगे, फिर उसको 10 पे लाएंगे, फिर उसको अपन 7 पे लाएंगे, ऐसा करके उनको 2 मंथ तक खींचते हैं। फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर कुछ उनको मेडिसिन भी देते हैं साथ में, ताकि वो अर्जिस अंदर से जो वो आती है, ख्वाहिश होती है कि मैं खाऊं वो कम करे, और साथ में कभी कभार ये निकोटीन छुड़ाने के लिए वो डायरेक्ट क्या बोलता है, सिगरेट वगैरह ना पी के उसकी सब्स्टिट्यूट च्युइंगम्स आती हैं, जो निकोटीन जो खून में डालता है जिससे जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उसके ज़रिए देते हैं कि आपको कम अज़ कम सिगरेट से पहले छूटना है तो ये च्युइंगम्स खाइए, फिर आदमी च्युइंगम्स खाता है, फिर उसका भी कोर्स देते हैं डिफाइन, इतना खाना, इतने टाइम खाना, ऐसा करना, तो वो धीरे 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 करके नशे को आपके खून में, आपके जहन में, आपकी बॉडी को जो आदत सालों से उसको कम करते हैं। तो पहला तो ये दिल में नियत हो कि अल्लाह ये गलत है मैं छोड़ूं, दूसरा पक्का इरादा हो, और तीसरा सही कदम उठाया जाए, मतलब ये या तो इरादा इतना पक्का हो कि वाकई में छोड़ दें, या फिर कोर्स वगैरह करके डॉक्टर्स के थ्रू करते हुए इंशाल्लाह अज़ीज़ हुआ है, ये बेटर ढंग होता है। और याद रखिए जब कोई नशे की इंसान को आदत होती है वो अचानक नहीं छूट सकता है, कई बार तो अगर कोई इंसान नशा जो करता अचानक छोड़ दे तो वो बहुत सीवियर बीमार हो जाता है, मालूम आपको, इतना बीमार होता है कि डॉक्टर खुद
प्रिस्क्राइब करेंगे कि इसको अभी थोड़ा दो, वरना ये बहुत बुरी हालत में चला जाता है नशा नहीं होने की वजह से। तो लिहाजा इसको जैसा लगती है धीरे धीरे आदत, छूटती भी धीरे धीरे याद रखें। तो लिहाजा उसको मतलब अगर एक लॉन्ग टर्म पक्का मुसम्मम इरादा हकीकत में छोड़ना है तो एक कोर्स के थ्रू जाने में मैं समझ ज़्यादा फ़ायदा इंशाल्लाह। आप कुछ लोग कैसे होते हैं, अल्लाह की कसम कल से नहीं आऊँगा, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है महीने दो महीने बाद फिर चल, तो वो नहीं होगा क्योंकि बॉडी को क्या अंदर से अर्जेस है, वो ख्वाहिशात उठती है थोड़ी देर को, मुझे खाना है मुझे खाना है। तो बेटर क्या होगा, आप क्या करें, नीयत पक्का इरादा उस गुनाह से तौबा का कि मैं करता था, और उसके बाद थर्ड करें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके एक कोर्स के थ्रू उसको छोड़े। तो मैंने लोगों को देखा माशाल्लाह जो बड़े शराबी थे, बड़े अलग अलग किस्म के नशे लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह महीने दो महीने में पूरी शख्सियत तब्दील हो गई, बस वो नीयत थी पक्का इरादा था और सही डायरेक्शन में कोर्स वगैरह किया, अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से एक अच्छे इंसान वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बोलते हैं कि जब नशे की आदत थी जब तो किसी को मालूम भी नहीं आया, छपके पीते वगैरह थे बोलते हैं, लेकिन अल्लाह ने छुड़वा दिया, तो एक बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।